दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेस, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए सचिन को आज उनके पैतृक गांव गोयला खुर्द में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वंदे मातरम व भारत माँ की जयकारों से गुंजा गोयला खुर्द अंतिम संस्कार पर उमड़ा जन सैलाब। सेना व पुलिस के जवानों ने 21 राउंड फायर कर जवान को सलामी दी और राजकीय सम्मान के साथ शहीद सचिन शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। सचिन की शहादत पर युवा, बुजुर्ग, स्कूल के बच्चे, महिलाएं हजारों की संख्या में अंतिम विदाई देने पहुंचे। लोग सचिन के अंतिम दर्शन के लिए बड़े ही आतुर नजर आ रहे थे। सचिन की मां सुमित्रा व बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। अंतिम संस्कार राज्य परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पवार, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर, विधायक रविंदर मछरोली, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय भाटिया सहित पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पाकिस्तान साइड में सर, आगे चलते रहो, आगे चलते रहो। विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले लोगों से सावधान रहने के लिए पानीपत के डीसी चंद्रशेखर खरे ने लोगों से अपील की है। चंद्रशेखर खरे ने कहा कि डीलर अपने प्रचार प्रसार के लिए टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्रों, ऑटो रिक्शा व अन्य साधनों का प्रयोग करके लोगों को विदेश भेजने का प्रलोभन देने का वे विज्ञापन प्रकाशित करवाते हैं। इसके लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ द्वारा एक मामले में संज्ञान लेते हुए कहा है कि जो भी अनधिकृत डीलर जनता के साथ विदेश भेजने के नाम पर ठगी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। इसके लिए जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए। निर्माण कार्य अधूरा छूटने पर गुस्साए वार्ड 6 के लोगों ने नगर निगम कमिश्नर कार्यालय पर रोष प्रदर्शन किया और गली का निर्माण पूरा करने की मांग की। वार्ड नंबर 6 की दुर्गा कॉलोनी में निगम द्वारा गली बनवाने के लिए 20 लाख का ग्रांट जारी किया गया था, लेकिन ठेकेदारों ने गली का निर्माण अधूरा छोड़ दिया। लेकिन जब कॉलोनी वासियों ने ठेकेदार से गली को पूरा करने की बात कही तो उन्होंने ग्रांट पूरी हो जाने पर गली बनाने से मना कर दिया, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर पार्षद कॉलोनी वासियों के साथ निगम कार्यालय कमिश्नर से मिलने पहुंचे, लेकिन वहां पर कमिश्नर नहीं मिले। उसके बाद वह एससी से मिले, लेकिन उन्होंने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।
ये वार्ड नंबर 6 में गली बनाई जा रही है जो दुर्गा कॉलोनी में, और 20 लाख का टेंडर था। वो ठेकेदार ये कहता है कि भाई मेरे तो पीछे पूरे हो गए, और जबकि बीच में एक छोटा सा टुकड़ा रह गया, वहाँ पर टुकड़ा 3 फुट गहरा है, ना इधर से रास्ता रह गया ना इधर से रास्ता रह गया, बीच में रह गए वे बेचारे। तो उसके लिए हम कमिश्नर साहब से मिलने के लिए आए थे, यहाँ पब्लिक सारी इकट्ठी होकर आई थी कमिश्नर साहब के पास। कमिश्नर साहब तो मिले नहीं मौके पर, एसटी साहब ने MEJEE को मौके पर कहा भाई जाओ देखो एक बार क्या मामला है, तो ना तो MEJEE सुनकर है जी ना JEE सुनकर है जी, कोई नहीं सुनकर है जी, और ना ये मौके पर गए जाने से नाटक है, हम नहीं जाते गए। तो ऐसे अफसरों का फायदा क्या है नगर निगम में, जो किसी पब्लिक की नहीं सुनते, पब्लिक के लिए तो ले तो तनख्वाह ले रहे हैं और के किसी और चीज़ के लिए ले रहे तनख्वाह, या ऊँ रोप जमाने के लिए बैठे यहाँ से, तो पब्लिक के काम नहीं करेंगे, पब्लिक की नहीं सुनते, तो फिर फायदा क्या है इस नगर निगम का, और क्या इन अफसरों का फायदा है, कोई अफसर सुनकर ही राजी नहीं है। वार्ड नंबर 6 की गलियां जो है ठेकेदारों के थ्रू और पालिका के थ्रू पड़वा दी गई है, लेकिन उनमें एक छोटा टुकड़ा ऐसा बचा है जो ये बनाने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर इनके पास पैसा नहीं है वो टुकड़ा क्यों तू पड़वाया, और अब इन्होंने ऐसा काम कर दिया अगर बारिश आ जाए तो वहाँ पे निकलने का रास्ता नहीं है किसी का भी। सर ऐसा है कि इधर से भी गली ऊंची हो गई, इधर से भी गली ऊंची हो गई, ना हमारे बच्चे स्कूल जा सकते, ना हम कहीं अपने घर से बाहर जा सकते, अभी बारिश आएगी हमारे घरों में पानी घुसेगा ठीक, और हमारे छोटे छोटे बच्चे इसमें डूब के मरेंगे। जब ये सरकार सुनेगी, जब ये जो भी ये बैठे हैं अफसर जब सुनेंगे, वैसे इन लोगों के कानों पे कोई जू नहीं रेंग रहा है। REPG कॉलेज में NSS NCC यूनिट पानीपत नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छता व फायर सुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने बताया कि हमें अपने आसपास गंदगी को नहीं पनपने देना चाहिए, हमें गीले व सूखे कचरे को अलग अलग तरह के डस्टबिनों में डालना चाहिए। उन्होंने बताया कि स्वच्छता में ही स्वस्थ जीवन होता है। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई दी। इस मौके पर प्रोफेसर राजेश गर्ग, प्रोफेसर मंगल शिंगला, प्रोफेसर नेहा बंसल, विनीत गर्ग सहित अन्य मौजूद रहे। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। धन्यवाद।